राजेश कुमार के साथ हमारी मौजूदगी अभी कंकड़बाग गंगा देवी महिला महाविद्यालय में। देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से जो है यहाँ पे लड़कियाँ गंगा देवी महिला कॉलेज के बाहर जो है वो लोग प्रदर्शन करें, क्यों प्रदर्शन करें हम जानेंगे इन्हीं से, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को जिस तरह से बात किया जाता है उस तरह से नहीं उतर रही है। क्या हुआ समस्या कि आज लोग आप लोग बाहर उतर गए? हम लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए मगर यहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग अपना ट्यूशन छोड़ करके यहाँ आ रहे पढ़ने के लिए, टीचर गायब है, बोलते हम लोग कहाँ है सर मैम, तो बोला जाता है कि वो लोग छुट्टी पे है। अब हम लोग यहाँ उतने दूर से आते हैं, एक एक घंटा लगता है, दो दो घंटा लगता है हम लोग यहाँ के पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर ही नहीं रहते। वो अगर टीचर के पास जाते हैं कि हेड के पास डांट के तो ऐसे भगाती है ना कि यहाँ के हम लोग स्टूडेंट ही नहीं है, लाइक ऐसा हम लोग साथ बिहेव किया जाता है। दिस इज नॉट गुड फॉर वी आर गर्ल्स। सो उन लोगों हम लोग का सिचुएशन समझना चाहिए बट वो लोग नहीं समझते हैं। सो इस बात से अच्छा है। डांट करके भगाते क्या कहा मैम, यहाँ की मैम सर लोग तो ऐसा रूड करते हैं ना, लाइक वो बोलते हैं शांति से बैठ जाओ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो हम लोग अगर खड़े होकर पूछ देते हैं, बोलते हैं ज्यादा बोलो मत चुपचाप बैठो वरना मारेंगे। ये क्या टीचर यहाँ के नाम तो यूके कुछ ऐसे, हम लोग का नाम भी नहीं पता है हम लोगों को उनका। आती ही नहीं है कि तुम लोग भी नहीं आते? नहीं, हम लोग रेगुलर, जब से पता चला कि अटेंडेंस बना तो हम लोग रेगुलर आ रहे हैं, मगर यहाँ के टीचर को पता ही नहीं कि हम लोग कौन है यहाँ के स्टूडेंट। और सारे टीचर, एक टीचर रहे तब ना, मतलब आज हम लोग का बायो का क्लास हुआ, कल दूसरी मैम आई, फिर कल दूसरे सर आ गए, ऐसे क्लास हो रहे हैं। कितने घंटे पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो होती नहीं है, एक घंटे अटेंडेंस में ही चला जाता है। अटेंडेंस कौन बनाने आते हैं? मैम लोग आते हैं तो हाँ, वो नहीं तो ऐसा किया जाता है तो बच्चों को ही बोल देते हैं कि पेपर में अटेंडेंस बना के और टीचर के कैबिन में पहुंचा दो, बस ऐसे ही पेपर में चढ़ता नहीं है, रजिस्टर में अटेंडेंस चढ़ता नहीं है, तो फिर हम लोग 75% कैसे अटेंडेंस देंगे? क्लास जाते करने मैम आती है अटेंडेंस नहीं तो बोलती है कि एक दिन क्लास आती है और भाषण देती है, तो टीचर लोग पेपर में अटेंडेंस बनाते हैं लेकिन लेते नहीं है। पानी भी नहीं था, गर्मी में तो हम लोग पानी के बिना भी मर गए थे। इस कॉलेज का इतना बुरा हालत हो गया कि पानी भी ये लोग नहीं रखे हुए हैं। और कोई भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ, कोई फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, बस पैसा हर चीज का लिया जाता है। किस चीज का पैसा लिया जाता है? मतलब हर चीज का कुछ भी। आपने किस लिए आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गेट के बाहर निकले? सर हम लोग का सेंटर एग्जाम है 30 तारीख से मंडे से, और हम लोग का पैसा लिया जा रहा है हम लोग से, फालतू का 700 लिया जा रहा है। रसीद कितना का दे रहे हैं? 700 का पेपर में 200 का दिया है, हम लोग से 700 ले रहा है। रसीद कॉलेज से कितना मिल रहा है? 700 पेपर में कितना दिया? 200। आप लोग 200 देने के लिए इच्छुक हैं? हाँ। किसी को विरोध आप कर रहे हैं? हाँ। परीक्षा का? हाँ। क्या पढ़ाई होती है? नहीं, झगड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो गया है सर के पास, बोल तो सीधा बोलते तुम कॉलेज का नाम बदनाम करोगी, कॉलेज नहीं आती हो। हमने कोचिंग छोड़ दिया, कॉलेज ज्वाइन किया कि चलो तो एग्जाम यहीं से निकालना है, अब यहाँ आ रहे कोई नॉलेज नहीं है। टीचर्स इतने बदतमीजी से बात करते, गर्ल्स को तो छेड़ते हैं यहाँ तक। अब पूछ लो इन लोगों से, केमिस्ट्री के टीचर से, किसी से भी पूछ लो, केमिस्ट्री के टीचर ऐसे हैं लड़कियों पे। हमसे मैं कुछ पूछती हूँ तो सीधा बोल देंगे, उस दिन जब पढ़ा रहे थे समझ नहीं आया, मैं पूछी, सीधा बोलते हैं कि बैठो चुपचाप, जो समझ में आ रहा समझो नहीं तो जाओ। कौन टीचर छेड़ते हैं, उनका नाम क्या है, कौन सब्जेक्ट का टीचर? केमिस्ट्री का टीचर नाम नहीं पता उनका, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल करवाते हैं? हाँ। नाम क्या है पता है? नाम नहीं पता। क्या कहते हैं आप लोग को? वो गर्ल्स का अटेंडेंस बनाने टाइम अटेंडेंस वो आई कार्ड लेते हैं और उसी से नंबर ले लेते हैं और उसको कॉल करते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, बस वही टीचर है जो आई कार्ड लेते हैं और कोई नहीं, बाकी सब नाम और रोल नंबर से बस वो नंबर ले लेते हैं और उसके बाद कॉल करते हैं लड़कियों को। क्या कहते हैं? कि दूसरी लड़कियों से कहते हैं, मतलब हम भी नहीं किए हैं, कोई और बोली है। लड़की पे हाथ भी उठाते हैं। यहाँ पे एक बार केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो रहा था जिसमें मेरे को कहा गया था ना कि कॉर्निकल ग्लास जाकर धो कर, जबकि चपरासी को रखे हुए फिर भी मेरे को धोया गया। वो गलती से गिर जाने की वजह से मुझे बोले कि ये टूटना नहीं चाहिए वरना 500 का जुर्माना लगेगा। फिर कई लड़कियों को उस पर हाथ भी उठाया गया टीचर के द्वारा और कहा गया कि नेक्स्ट टाइम से सब गलती नहीं करना, इन लोग को सही से कुछ करना भी नहीं आता है, वो हाथ भी उठाते हैं। क्योंकि पाठक सर ने बोले थे कि 75% जो है आप लोग का अनिवार्य है। जी सर, कॉलेज आते हैं क्या? जी सर, हम लोग अपना कोचिंग छोड़कर कॉलेज आना शुरू किए हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ाई नहीं मिल रहा है यहाँ पर, जितना हम लोग कोचिंग में एक्सपेक्ट किए थे जितना कॉलेज में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हम लोग को नहीं मिल रहा है। क्लास होता है नहीं होता है टीचर को भी कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, क्लास भी फिक्स नहीं है कि हम लोग का कहाँ पे क्लास होगा। हम लोग आधा बच्चे किसी और क्लास में रहते हैं, आधा बच्चे को किसी और क्लास में बैठा दिया जाता है, मालूम चला उधर पढ़ा दिए और फिर चले जाते हैं। फिर बाद में हम लोग अगर गए कि सर हम लोग को नहीं पढ़ाए तो बोलते तुम लोग कहाँ थी, पहले क्लास भी तो फिक्स होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे एक जगह कहीं बैठकर।
पर ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट होता है उसमें भी सर लेट ही आते हैं। हमें जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ का प्रिंसिपल साहब ने शिकायत करते हैं कि जो शिक्षक है वो पढ़ाते नहीं। सर एंट्री ही नहीं मिलता है सर, पहली बात तो एंट्री नहीं मिलता है, अगर मिला भी तो मैम रूडली अभी जस्ट हम लोग प्रिंसिपल के कैबिन से ही आ रहे हैं। मनीवाला जी सर, अभी जस्ट हम लोग कंप्लेन करके आ रहे हैं तो बोलती है आके तुम लोग मेरा माथा फोड़ दो, मेरा गाड़ी फोड़ दो, मेरा ही माथा फोड़ दो, गोली मार दो हमको, इतना रूडली अभी जस्ट हम लोग को बोल के भेजी है। अभी कोई केमिस्ट्री का जो टीचर है वो छेड़ते हैं क्या? अभी तो महिला आपके तो साथी ने बताया था सर, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट लोगों ने कहा है केमिस्ट्री के टीचर उनका बिहेवियर सही नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, के सही से बात नहीं करते, आगे आसपास भटकते रहते, कभी ऐसा करना कभी वैसा करना। हमारे पास तो नहीं आया बट हाँ उनका हरकत सही नहीं है केमिस्ट्री वाले सर का। टच उनका अच्छा नहीं लगता है, मतलब अजीब ही से करते हैं। और क्या नमोनाथ केमिस्ट्री का टीचर है जी सर, प्रैक्टिकल करवाते हैं जी सर। तो देखिए खास तौर पर अब जो गंगा देवी महिला विद्यालय महाविद्यालय है वहाँ पे देख सकते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं टीचर पर जो है आरोप लगा रही है कि नंबर लेकर के आई कार्ड से और वहाँ पे कॉल करते हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि ये लोग का जो विरोध चल रहा था कि जो पेपर में दिया हुआ था 200 फी का जो परीक्षा फी था उसको और हम लोग से 700 रुपया लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे में देखने की बात है क्या इस पर जो है संज्ञान जो यहाँ के प्रिंसिपल है वो खुद लेती है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा को बढ़ाने की जो बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नारा देते हैं और बेटियों की सबसे आगे सशक्त करने की जो है बात कही जाती है, और देख सकते हैं कि जिस तरह से गंगा देवी कॉलेज के जो बाहर है हम लोग जो है कोचिंग छोड़ करके अब जो है कॉलेज में आते हैं लेकिन कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, इसको लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अब देखने की बात है क्या इस पर जो है सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से लड़कियां काफ़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए कॉलेज आती है और जिस तरह से के पाठक जो है उन्होंने आदेश जारी किया था कि 75% जो है अटेंडेंस अनिवार्य है उसको लेकर के लगातार जो है लड़कियां आती रहती है कॉलेज, लेकिन कॉलेज में जिस तरह से है पढ़ाई नहीं होती उसको लेकर के ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। अब ऐसे में देखने की बात है क्या जो यहाँ के जो प्रिंसिपल उन पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज पर, धन्यवाद।